फाइन, तो फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आएंगे। तो फ्रॉम टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, देखो कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, वन इट इज मेटालिक कंडक्टर एंड अनदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जब हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिस्कस ही करना है तो हम लोग दोनों तरह के कंडक्टर्स को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कितने तरह के कंडक्टर्स होते हैं बताओ? टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, वन इट इज मेटालिक कंडक्टर, अनदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लिखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, पहले लिखो टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कितने तरह के कंडक्टर्स हैं? दो तरह के। लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। पहला इट इज मेटालिक कंडक्टर, पहला इट इज मेटालिक कंडक्टर, फर्स्ट इट इज व्हाट? मेटालिक कंडक्टर। अंडरस्टूड? ओके, तो मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? मेटालिक कंडक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है बताओ? मेटल, इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? यस सर। तो मेटालिक, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का फ्लो मेटालिक कंडक्टर में किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ, टेल मी, इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, चार्ज या करंट पास कराएंगे, तो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होता है क्या? नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? मेटालिक कंडक्टर के थ्रू अगर हम लोग करंट पास कराएं या फिर उसके थ्रू चार्ज पास कराएं तो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होगा? नो सर, नहीं होगा। तो नहीं होगा। देखो सेकंड पॉइंट देखो, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा मेटालिक कंडक्टर में अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि करंट का फ्लो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बोलो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स मिलके दे फॉर्म कर्नल्स, पढ़ा होगा आपने, दे फॉर्म व्हाट? कर्नल्स। एंड दीज कर्नल्स आर पुटिंग ऑब्स्टिकल्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दीज ऑब्स्टिकल्स, ड्यू टू कर्नल्स ना। यहां पे रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है? उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से आ रहा है जो किसकी वजह से आ रहे हैं? कर्नल्स की वजह से आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, न्यूक्लियस और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? कर्नल्स बोल रहे हैं ना। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द
obstacle provided by the kernel in the flow of electron. Understood? Yes, sir. Yes. Yes. अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटालिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. लिख लो नेक्स्ट पॉइंट. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अंडरस्टूड? तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में पहली चीज कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन. अगर मेटालिक कंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो होगा तो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा. नहीं होगा. मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? ड्यू टू द ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. और टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज. यस. तो ये समझ में आया आपको मेटालिक कंडक्टर? यस सर. नेक्स्ट इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. दूसरा कंडक्टर कौन सा है बताओ? दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट का फ्लो किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू. करंट का फ्लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयंस के थ्रू. एंड जैसे हमने NaCl ले लिया, सपोज मोल्टेन ही लिया, तो Na plus is going to cathode और Cl minus is going to anode. तो करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? आयंस के फ्लो की वजह से. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस. तो पहला पॉइंट लिखो, फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू, फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट ऑकर्स ड्यू टू, टेल मी, फ्लो ऑफ आयंस. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो डेफिनेटली कैथोड और एनोड पे केमिकल डिकम्पोजिशन तो शुरू होंगे ना? यस सर. जबकि मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है. यस. तो सेकेंड पॉइंट लिखो, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस ऑन पासिंग, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वजह क्या है? जैसे सपोज हमने NaCl लिया, है ना, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या Na प्लस कैथोड पे और Cl माइनस एनोड पे जा पाएगा? नहीं. ताकि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. यस सर. सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ना तो कैथोड कटायन, ना तो कटायन कैथोड पे जाएगा और ना तो एनायन एनोड पे जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. राइट. यस सर. तो रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करने वाला पहला फैक्टर क्या हो गया? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन. दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सॉल्वेंट इंटरेक्शन. यस. जैसे मान लो कोई कटायन है और इसके चारों तरफ सपोज सॉल्वेंट वाटर है, तो इसके चारों तरफ वो क्या बनाता है? एक शेल बनाता है, है ना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रेशन. आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी कटायन को वाटर में डालते हैं तो कटायन के चारों तरफ वाटर का एक शेल बनता है. This process is called as what? Hydration. इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी भी पढ़ा होगा आपने, है ना? Yes? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कटायन के चारों तरफ वाटर का शेल बनेगा, एनायन के चारों तरफ भी वाटर का शेल बनेगा, राइट ना. तो क्या होता है कि कटायन और एनायन की मोबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. आर यू गेटिंग दिस? और कटायन और एनायन की मोबिलिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली करंट का फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा.
कम हो जाएगा, कम होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की दूसरी वजह क्या हो गई, हर वो चीज जो करंट के फ्लो में ऑब्स्टिकल बनेगा वो रेजिस्टेंस की वजह होगा, है ना। तो दूसरा वजह क्या हो गया रेजिस्टेंस का बताओ, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन ऑफ आयंस बोलेंगे, बोलेंगे ना। यस यस सर यस। एंड थर्ड इट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, थर्ड इट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्वेंट विस्कस हो गया, उसके थ्रू आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो डेफिनेटली उस केस में भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, है ना। क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, है ना। दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। और तीसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब की विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यही तीन वजह है ना रेजिस्टेंस की। और ये तीनों इंटरेक्शंस जितने ज्यादा होंगे, ये तीनों इंटरेक्शंस जितने ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर यस। तो चलो लिखो, रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, फर्स्ट क्या था बोलो, सॉल्यूट 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 इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस होगा, है ना। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ओके। और दूसरा क्या है बोलो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस है, है ना। इसका मतलब क्या है बताओ, हाइड्रेशन ऑफ आयंस है। और तीसरा क्या है बताओ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तीसरा है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, राइट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और ये क्या है बताओ, विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी, यस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दिस इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और ये तीनों इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे, ये तीनों इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा ना। यस, ये तीनों इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ? यस यस। अब देखो, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कराते हैं तो क्या होगा, आयंस की स्पीड बढ़ती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आयंस की स्पीड बढ़ेगी ना। यस, आयंस की स्पीड बढ़ेगी तो कैटायंस और एनायंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? आयंस की स्पीड बढ़ेगी, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ ये तीनों तरह के इंटरेक्शन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ ये तीनों तरह के इंटरेक्शन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और जब ये तीनों तरह के इंटरेक्शन डिक्रीज होंगे तो क्या होगा बोलो, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। मैंने बोला कि ये तीनों इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनका स्पीड बढ़ा, और ये तीनों तरह के इंटरेक्शन डिक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ
इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन मेटालिक कंडक्टर में बोलो क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. आर यू गेटिंग दिस? बोलो. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए ना. टेम्परेचर देखो वहां पर थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में जाना पड़ेगा और मैं उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, राइट right? उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्योंकि उसमें मतलब एकदम से दूसरे डायमेंशन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना. इसलिए वहां पर मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. इंक्रीज. और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो हमें डिटेल में पढ़ना है, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया. यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह ये तीन तरह के इंटरेक्शन है. ये तीनों तरह के इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, है ना. टेम्परेचर इंक्रीज होने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी और ये तीनों तरह के इंटरेक्शन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. तीनों तरह के इंटरेक्शन डिक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज. आई बात समझ? यस. तो चलिए लिख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा है. लिख लिया सबने? डन सर. यस सर. यस सर डन. यस तो लिखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर. लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस in electrolytic conductors. On increasing temperature resistance decreases in electrolytic conductors because of increase in kinetic energy, because of increase in kinetic energy of ions, because of increase in kinetic energy of ions with increase in temperature. Because of increase in kinetic energy of ions with increase in temperature, all types of interactions decreases. All types of interactions decreases. ये सभी तरह के interactions क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सभी तरह के interactions कम हो गए तो resistance भी क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा. Are you getting this? No sir. नहीं समझा? No sir. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आयंस की स्पीड हो गई ज्यादा. अगर आयंस की स्पीड ज्यादा होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम. कम होगा ना? यस सर. यस सर. अगर आयंस स्लो मूविंग है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और आयंस अगर फास्ट मूविंग है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा. अगर आयंस की स्पीड बढ़ गई, आयनिक मोबिलिटी अगर अपने आप से बढ़ गई तो डेफिनेटली करंट का फ्लो तो इंक्रीज होगा ना. यस सर. यस सर. यस. तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो आयंस की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो ये तीनों तरह के इंटरेक्शंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. ये तीनों तरह के इंटरेक्शंस डिक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. अंडरस्टूड? यस सर. यस. अब समझा? बोलो. यस सर. यस सर. यस. चलो तो ये तो हम लोगों ने एक बेसिक डिफरेंस समझा कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या फर्क है. बोर्ड टाइप एग्जाम में ये आपको हेल्प करते हैं, राइट, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर. पहला, मेटालिक कंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट का फ्लो आयंस के थ्रू. मेटालिक कंडक्टर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगी. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, है ना. मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वजह क्या है, ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय द करनेस, है ना. यस.
और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये क्लियर है ये सब कुछ? यस सर. अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में और डिटेल में जाएं, उसके पहले हमें कुछ की वर्ड्स और की टर्म्स समझने की जरूरत है. छह की वर्ड्स और की टर्म्स हमें समझने हैं. पहला इट इज रेजिस्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस, तीसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, चौथा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, पांचवा मोलर कंडक्टिविटी और छठा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ये छह टर्म्स हमें समझने हैं. आर यू गेटिंग दिस? यस. तो हेडिंग देखो, जनरल टर्म्स. पहले इन टर्म्स को समझेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. देखो, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. जनरल टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. इसमें सबसे पहला और कॉमन टर्म आ गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस राइट ना? क्या होता है रेजिस्टेंस बताओ? ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन इज व्हाट? रेजिस्टेंस. यहां पर तो आयन का फ्लो ही करंट का फ्लो है ना? यस यस सर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में करंट का फ्लो आयन के फ्लो की वजह से है. तो रेजिस्टेंस क्या है यहां पर बताओ? ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन इज व्हाट? रेजिस्टेंस. चलो लिखो रेजिस्टेंस. क्या लिखोगे? ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन. ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयन. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? व्हाट इज द यूनिट? इट इज ओम ना? ओम. ओम सिंबल क्या है? ऐसा ही है ना, टेंथ में भी पढ़ा होगा आपने, है ना? यस सर. Yes, so what is resistance? Obstacle provided in the flow of iron is resistance. और इसका यूनिट क्या है? ओम है. चलो ये resistance हो गया. Second term is conductance. दूसरा term क्या है बताओ? Conductance. Second term is conductance. Conductance क्या होता है? Resistance का reciprocal होता है. Conductance क्या होता है बताओ? Resistance का reciprocal. राइट. तो ये कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? वन अपॉन आर हो जाएगा. कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? वन अपॉन आर, वेयर आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस इज वन अपॉन आर, वेयर आर इज व्हाट? टेल मी. रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस है और ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है. तो कंडक्टेंस इज वन अपॉन आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस. अब अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा ना? Yes, और रेजिस्टेंस yes, कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा राइट. तो रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है. तो कहना इसे कि कंडक्टेंस इज द ईज विथ विच आयन कैन मूव. जितनी आसानी से आयन मूव करेगा कंडक्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा. राइट ना? और आयन जितनी आसानी से मूव नहीं करेगा रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. और आयन जितनी आसानी से मूव करेगा कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. तो कंडक्टेंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? ईज विथ विच आयन कैन मूव ना? ईज विथ विच आयन कैन मूव. कंडक्टेंस. आई बात समझ? यस सर. यस. तो चलो लिखो कंडक्टेंस में. लिखो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज डिफाइंड एज ईज विथ विच आयन कैन मूव. एंड इज डिफाइंड एज टेल मी ईज विथ विच
आयन जितने आसानी से मूव करेगा कंडक्टेंस क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा. आई बात समझ? यस सर. क्लियर? ओके. अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट. ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम थी ना? यस. वन अपॉन ओम इनवर्स. यस. तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन ओम हो जाएगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पर ओम लिख सकते हैं. Are you getting this? This is what? This is yes. per ohm हो जाएगा. Per ohm को हम लोग रिवर्स करके MHO भी लिखते हैं, mho लिखते हैं, MHO. Are you getting this? और उसका सिंबल इसका उल्टा हो जाता है ऐसे. तो this is what? MHO. Are you getting this? Yes sir. Per ohm को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? mho लिख सकते हैं, right ना? और इसका एक और यूनिट है, दैट इज व्हाट? साइमन. एस आई एम ई एन. और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस. तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? पर ओम बोलो या मो बोलो या फिर क्या बोलो? साइमन बोलो. आई बात समझ? यस सर. यस सर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? It is per ohm, mho and Simon. या फिर क्या हो जाएगा? Simon हो जाएगा. यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? Yes sir. Yes sir. तो resistance तो आसान था, conductance सीधा सीधा क्या हो गया? उसका reciprocal हो गया, है ना? तो conductance को क्या define कर सकते हैं? Ease with which iron can move. Flow. चलो third point is specific resistance or resistivity. थर्ड इज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. थर्ड इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. थर्ड इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेल मी रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. और इसका सिंबल क्या है? रो है. इसका सिंबल क्या है? रो है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड इट्स सिंबल इज व्हाट? रो. आर यू गेटिंग दिस? यस यस सर. अब थोड़ा सा ना मैं आपके क्लास 10th के नॉलेज का हेल्प लूंगा यहाँ पे, है ना? याद है थोड़ा बहुत क्लास 10th में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था? यस सर. यस सर. अच्छा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था. याद आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था. होता था ना? यस यस. वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था. मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? आर इज proportional to L upon A हो जाएगा ना? Directly proportional to length और inversely proportional to area of cross section. अब मैं proportionality का sign हटाऊंगा तो कोई constant introduce करूंगा ना? Yes sir. Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा? R is equal to rho L by A. R is equal to क्या हो गया बताओ? Rho L by A हो गया, है ना? राइट right? जहां पे रो को क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेजिस्टिव. वेयर रो इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिस्टिविटी. यहां पे रो एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजिस्टिविटी. और आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना? यस सर. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, 11th में है सीबीएसई में. आपने वहां पे दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी एक्सटेंसिव. राइट ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? जो मास पर डिपेंड नहीं करती, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. जो सब्सटेंस के अमाउंट से क्या हो? इंडिपेंडेंट हो. डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंस. डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव. इंटेंसिव. इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आपके पास 100 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है, उसमें से आप एक 5 मिलीलीटर निकालो और दूसरी जगह 50 मिलीलीटर निकाल लो. जो 5 मिलीलीटर आपने निकाला उसकी डेंसिटी और 50 मिलीलीटर की डेंसिटी आपको अलग अलग मिलेगी क्या? नहीं ना सर. तो चाहे 5 मिलीलीटर हो या 50 मिलीलीटर हो, ये अमाउंट से क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया.
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यस, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्टिविटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझ? यस सर। तो यहाँ पर रो क्या है? कांस्टेंट है। हेयर रो इज अ कांस्टेंट। हेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रो कांस्टेंट है और जिसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की खास बात क्या होती थी, कोई बताएगा मुझे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। अगर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी d1 है, दूसरे सॉल्यूशन की डेंसिटी d2 है, मैं दोनों सॉल्यूशन को मिला दूंगा तो डेंसिटी d1 plus d2 नहीं हो जाएगा ना? Yes, sir. एक सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टिविटी सपोज रो है, रो वन है, दूसरा सॉल्यूशन है उसकी रेजिस्टिविटी रो टू है, और ये रो रेजिस्टिविटी है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फाइनल सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी रो वन प्लस रो टू नहीं होने जाएगी ना? Yes, sir. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या सीखा था कि हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं हम उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक सॉल्यूशन का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो फाइनल सॉल्यूशन का मास तो m1 plus m2 हो ही जाता है। एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है, दूसरे का v2 है, दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 plus v2 तो हो ही जाता है ना? यस यस सर। और आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अगर yes, नहीं तो आज ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना। ये बीच में आ गया, मैंने डिस्कस कर लिया थोड़ा, ठीक है? तो रो कांस्टेंट है यहाँ पर और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और रेजिस्टिविटी किस तरह की प्रॉपर्टी है बताओ? इंटेंसिव। तो ये रो को क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलो, इट इज आर इनटू ए अपॉन एल हो जाएगा ना? यस सर। आर रो इज इक्वल टू क्या हो गया? आर इनटू ए अपॉन एल, मतलब कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एल हो गया। अब इस रो का सिग्निफिकेंस समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रो इज, मुझे कंडक्टिविटी सेल डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलो पहले इतना लिखो, फिर मैं अभी कंडक्टिविटी सेल डिस्कस करता हूं। डू इट। लिख लिया? यस सर। डन सर। तो बताओ मुझे रेजिस्टिविटी की यूनिट बता दो फट से। ओम मीटर। यस, ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम। और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस यस। चलो, तो ये सब कुछ सर, व्हाई सेंटीमीटर? बिकॉज ये डिस्टेंस इज लेस, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इतना बड़ा थोड़ी होता है कि मैं उसको मीटर स्क्वायर में लूं, है ना? ओके सर। यस, चलो, शुड आई रब इट? यस सर। यस सर। अब मैंने क्या बोला कि रो का सिग्निफिकेंस समझने के लिए मुझे क्या डिस्कस करना पड़ेगा? कंडक्टिविटी सेल डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? कंडक्टिविटी सेल। तो चलो कंडक्टिविटी सेल समझते हैं एक बार। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है? देखो ये एक टैंक है और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं,
चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बताओ? ए है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? एल है। आर यू गेटिंग दिस? ये कंडक्टिविटी सेल है ना। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है? एल। एल। एल है। और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। ए। तो ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है बोलो? ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड हो गया। और एल क्या है बताओ? एल इज व्हाट? Distance. L is what? Distance between the electrodes. L is distance between the electrodes. आ रही है बात समझ? Yes, sir. और ratio of distance between the electrodes and area of cross section of the electrodes is called cell constant. क्या बोलते हैं उसको बताओ? Cell constant. Are you getting this? Ratio of distance between the electrodes and what? Cross section. Area of cross section of the electrode is known as what? Cell constant. Cell constant. ये बना लो जल्दी से. Do this. Done. लिख लो ratio of distance between the electrodes. Ratio of distance between the electrodes to the area of cross section of the electrode is known as cell constant. क्या बोलते हैं उसको? सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा कि सेल कांस्टेंट जिसको कि हम लोग यहाँ पे G से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? L अपॉन A हो जाएगा ना, वेयर L इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड A इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। आई बात समझ? यस सर। ये कि दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया सेम हो? हाँ मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी कई बार तुम्हें क्वेश्चंस में मिलेगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो डिफरेंट हो गया। सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? Yes, sir. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ना? यस सर। इफ एरिया ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट देन वी हैव टू टेक व्हाट? कॉमन एरिया ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो आप वैसे सिचुएशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स का क्या लेंगे? कॉमन एरिया लेंगे। आई बात समझ? यस सर। पूछा है तो नोट डाल के लिखी लो। If area of both the electrode is different, then we have to take common area of both the electrodes. If area of both the electrodes is different, then we have to take the common area of both the electrodes. ये बात आई समझ? Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. अच्छा चलो अब यहाँ पर जरा देखो, ये रो इज इक्वल टू क्या देखा था हम लोगों ने? आर ए अपॉन एल देखा था ना? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, तो रो क्या मिला था हमें? आर ए अपॉन एल मिला था ना? यस यस। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर हो जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, है ना?
यस और नो? तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ना? यस सर। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगा बताओ? देन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देन रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ना? यस सर। यस। चलो अब हम लोग थोड़ा सा और इसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाए, तो ये बीच में कितने इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम इंक्लोज करेगा? अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये क्या है बोलो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट? वॉल्यूम क्या मिलेगा बताओ? क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 1 मिलीलीटर हो गया ना? यस सर। ये कट रहा है क्या इधर? यस सर। यस सर। एक सेकेंड। नो प्रॉब्लम सर। चलो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? टेल मी। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 1 सेंटीमीटर मतलब ये क्या हो गया बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मतलब ये किसके बराबर हो गया? 1 मिलीलीटर के बराबर ना? यस सर। मतलब कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंक्लोज कर रहे हैं? 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इंक्लोज कर रहे हैं ना? Yes, sir. ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है ना? यस सर। और अगर ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वॉल्यूम कितना इंक्लोज कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीलीटर ना? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों चीजों को मिलाते हैं हम लोग, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस present in 1 milliliter of solution? Yes, sir. Resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 milliliter of solution, because resistivity is equal to resistance when distance between the electrode is 1 centimeter and area of the cross section of the electrode is 1 centimeter square. The volume of electrolyte it is enclosing is also equal to how much? 1 milliliter. Resistivity, can I say ki resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 milliliter of solution. Can I say like that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thus, resistivity is defined as. ये लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, thus resistivity is defined as. Resistance offered to all the ions. Thus, resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 milliliter. Resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 milliliter of solution. ये बात आई समझ? Yes, sir. Resistivity is defined as resistance offered to all the ions present in 1 milliliter of solution. सब कुछ समझा आप लोगों को? Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. चलो तो ये क्या था? This was specific resistance or resistivity था, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने कितने terms सीखे? R A upon L हो गया। तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और L बाई A को क्या बोल सकता हूँ? 1 upon cell constant भी बोल सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. L बाई A is
सेल कांस्टेंट, तो ए बाई एल इज व्हाट, वन अपॉन सेल कांस्टेंट, राइट। तो हम लोग रेजिस्टिविटी को और क्या बोल सकते हैं बताओ, रेजिस्टेंस वन अपॉन क्या हो जाएगा, सेल कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, दिस इज आर बाई जी। आई बात समझ? यस यस यस। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दिस वॉज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसके पहले क्या डिस्कस किया था, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी। अभी क्या डिस्कस करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, यस। तो दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और टेल मी कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। आई बात समझ? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल कप्पा, बाय सिंबल व्हाट, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट, के ए डबल पी ए, राइट। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और व्हाट, कंडक्टिविटी, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस सर। मुझे बताओ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ये बात आई समझ? यस सर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस समझाने तक लिखने से बचना, राइट ना। ओके, अभी यहाँ पर देखो तो कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, इट इज वन अपॉन रो, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन रो, जहाँ पे रो क्या था, रेजिस्टिविटी। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर ए अपॉन एल लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकता हूँ ना। यस सर, हम लोग ने सीखा था ना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, क्लियर। यस सर, यस सर। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए था भाई, तो रो इज इक्वल टू क्या था, आर ए अपॉन एल था ना। यस सर, यस। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इंटू एल बाई ए हो जाएगा क्या, यस सर, यस सर। वन अपॉन आर और वन अपॉन ए बाई एल विल बिकम व्हाट, एल बाई ए, एल बाई ए जी। यस सर, ये कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा इज इक्वल टू, ये कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इज व्हाट, कंडक्टेंस, वन अपॉन आर इज कंडक्टेंस, है ना। और L by A is what? Cell constant. Cell constant. So conductivity is equal to conductance into cell constant. Cell constant. Are you getting this? Yes, yes sir. Yes. So conductivity is equal to what? C into क्या हो गया बेटा? G हो गया ना? Yes. Yes. क्या है यहाँ पर? Conductance है. ये कप्पा क्या है? Conductivity है. और G क्या है? Cell constant है. तो हमें क्या मिला बताओ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, टेल मी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट हो गया। आई बात समझ? यस सर। अब इस वाले रिलेशन पे आओ, ये जो रिलेशन है, कप्पा इज इक्वल टू वन अपॉन आर इनटू एल बाय ए, फिर से हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल बाय ए 1 हो जाएगा ना। यस सर, एल बाय ए 1 हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब L by A 1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम वो इनक्लोज करेगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर इनक्लोज करेगा,
Yes, sir. Yes, sir. So conductivity can be defined as conductance of all the ions present in 1 milliliter of solution. Conductivity is conductance of all the ions present in 1 milliliter of solution. Are you getting this? Yes, sir. मैंने बोला कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस होगा जब L बाई ए कितना हो जाए 1 हो जाए. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस होगा जब सेल कांस्टेंट कितना हो जाए 1, मतलब L बाई ए 1. L बाई ए 1 कब? कब की बात कर रहा हूं बताओ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 सेंटीमीटर. और ये कितना? 1 सेंटीमीटर. 1 हो गया ना. Yes, sir. वॉल्यूम कितना इनक्लोज किया? 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर. Yes, sir. Yes. Can I say कि conductivity is equal to conductance? Conductivity is what? Conductance of all the ions present in 1 milliliter of solution. Sir. Yes, sir. ये बात आई समझ? Yes, sir. तो चलो लिख लो अभी यहाँ पर. लिखो. अभी इतना तो समझ गए ना आप. अभी लिख लिया है क्या आपने ये सब कुछ? मैंने मना किया था कि थोड़ा सा पेशेंस रखना. लिख लिया है क्या आपने? Yes, sir. लिख लिया है तो कोई बात नहीं है. लिखो लिखो. Thus conductivity is defined as, tell me, reciprocal of resistivity. Conductivity is defined as reciprocal of resistivity. Conductivity is what? Reciprocal of resistivity. ठीक है? Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. It may be also defined as, conductance of all the ions. Conductivity is equal to conductance when L by A is 1, मतलब कि area enclosed how much? 1 cm², right na? Yes. Yes, sir. It is also defined as conductance of all the ions present in 1 milliliter of solution. 1 milliliter of solution. Yes. So conductivity is also defined as conductance of all the ions present in 1 milliliter of solution. आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. सर जब L और A दोनों इक्वल होगा तभी भी तो कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस होगा. लेकिन तब वॉल्यूम 2 मिलीलीटर हो जाएगा ना. यस सर. मान लो मैंने इसको भी 2 कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 2 cm² का है, राइट ना? तो भी ये तो हो जाएगा 1, राइट ना? लेकिन वॉल्यूम कितना इनक्लोज हो रहा होगा? कितना इनक्लोज हो रहा होगा बताओ? 4 cm³ हो जाएगा. 2 cm. नहीं, वॉल्यूम 4. ये L 2 cm हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो जाए? 2 cm. तो वॉल्यूम कितना इनक्लोज करेगा? वो 4 मिलीमीटर इनक्लोज करेगा, राइट ना? यस सर. लेकिन कंडक्टिविटी हम क्या डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? यस यस सर. यस. चलो अब इसकी यूनिट बताओ क्या होगा. इसका यूनिट बताओ क्या होगा? 1/r का यूनिट क्या हो जाएगा? 1/r का यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम हो जाएगा. पर ओम हो सकता है. ये क्या हो सकता है बताओ? दिस इज पर ओम हो जाएगा. ये क्या? ये मो है ना. और क्या हो सकता है? साइमन हो सकता है. ये 1/r की यूनिट हो गई ना. यस सर. यस सर. और ये L by A है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पर सेंटीमीटर हो जाएगा ना. यस सर. तो ये पर ओम पर सेंटीमीटर हो गया. मो पर सेंटीमीटर हो सकता है या फिर साइमन पर सेंटीमीटर हो सकता है. पर सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग दिस? तो यस सर. कप्पा क्या हो सकता है? पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर मो पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर सेंटीमीटर. ये बात आई समझ? यस सर. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर. नो सर. एकदम पक्का वाला? यस सर. चलो ठीक है. तो आज 1 घंटा कैसे बीत गया ज्यादा पता नहीं चला है ना. आज की क्लास में समझा बेटा आप लोग को सब कुछ?